तो देखो छात्रों, अपन ने विद्युत धारा को डिफाइन किया था, धारा I इक्वल टू एन ई ए वी डी भी डिफाइन की थी। आज मैं एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ धारा घनत्व। इसको हम J से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसको मैं जे से शो करता हूं। मान लो ये आपके पास चालक है और इसका क्षेत्रफल ए है और इसमें हो तो धारा आई जा रही है, तो जे बराबर मेरे पास आई अपॉन ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो जाती है इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाने लगती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, देखिए ओम का नियम। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने एक चालक ले लिया और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ले लिया। इसमें सेल या बैटरी ये लगाया, ये की हो गई, ये आ गया। इसके बीच का विभवांतर वी है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसकी लेंथ एल है। ओम के नियमानुसार आप पहले से भी जानते हैं, यदि अगर मैं इसको लिखूं मेरे पास ये आता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेष क्रम क्या कर लेते हैं, तापमान विशेष कर तापमान में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता। अगर अपन क्या करें, किसी चालक के सिरों के मध्य में विभवांतर लगाएं और विभवांतर का मान जैसे जैसे होता बढ़ाते जाते हैं, तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाती है, अगर मैंने विभवांतर V का नाम लगाया तो V समानुपाती I के, इसलिए समानुपाती के चिन्ह को परिवर्तित करने के लिए मैं एक अचर R ले लेता हूँ, इक्वल टू R इंटू I या R इक्वल टू
वी अपॉन आई के इक्वल हो जाता है। इस पूरे नियम को हम क्या बोल देते हैं, ओम का नियम कह देते हैं, ठीक है। और ओम के नियम में ये जो आर आता है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, प्रति रोध बोल देता हूँ। इसका मात्रक जो रहता है वह है ओम कहलाता है, ठीक है। इस ओम को मैं ऐसा प्रदर्शित करता हूँ, ठीक है। तो आर बराबर मेरे पास वी अपॉन आई, और ये आर प्रतिरोध कहलाता है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको पॉज करके देखिए, अगर मैं ओम के नियम को लेकर चलता हूँ तो ओम का नियम, अगर मैं इसको लेके चलूं और वी और आई के बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ये हो गया मेरे पास वी, ये हो गया आई, तो मेरे पास ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, सबसे पहले तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। यानी ओम का नियम कहाँ अप्लाई होता है, जहां पर मेटल होता है, धातु होती है, ये अर्धचालक कुचालक इनके लिए नहीं लगता है। दूसरा, ओम का नियम, ओम का नियम सभी तक लगता है जब तक तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। अगर आपका वस्तु का तापमान या धातु का तापमान बदल जाए तो यह नियम लागू नहीं होता है। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वह इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर आपको यहाँ पर अब देखिए, ये अगर चालक है, मान लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये मान लो एक चालक है, चालक के सिरों के ऊपर मैंने विभवांतर V को लगाया हुआ है, ठीक है, धारा I यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो अब आप देखिए, ये जो प्रतिरोध R रहता है, ये R क्या कहलाता है, R धारा में रुकावट डालता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, प्रतिरोध बोल देता हूँ। तो धारा में रुकावट कैसे होती जलती है, देखिए, मान लो ये चालक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर जाता है तो ये पॉजिटिव आयन से टकराता है, यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब अगर हम क्या करें, चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़्यादा टकराना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, इसलिए प्रतिरोध आर
समानुपाती एल दिया जाता है चालक तार की लंबाई, ये चला जाता है। ठीक। दूसरा, अगर मैं यहां पर देखूं तो आर समानुपाती एक बटे ए मेरे पास क्या कहलाता है? चालक का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक। अब जितना ज्यादा चालक का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा और प्रतिरोध का मान कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए मेरे पास आर समानुपाती एल अपॉन ए के इक्वल आ जाता है। इसलिए आर समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करने के लिए मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ एल अपॉन ए, इसको मैं रो से शो करता हूँ। ठीक। तो ये मेरे पास चालक का चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रति रोध या प्रति रोधकता कहलाने लगता है। ठीक है। तो इस रो को मैं चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हूं। देखो अपन ने क्या किया है, चूंकि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये मेरे पास क्या कहलाती है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता, या इसको हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो रो इक्वल टू हो जाता है आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक। तो ये जो रो होता है वो किसी चालक का विशिष्ट गुण होता है। यह न चालक की लंबाई पर निर्भर करता है न चालक की अन्य कोई प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है, यह चालक का अपना एक विशिष्ट गुण होता है।